दोस्तों, अगर आप वोडाफोन आइडिया यूजर्स हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे कभी भी बंद हो सकती यानी है। कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया इंडिया में अपना सर्विसेज को कभी भी बंद कर सकती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फ्री पेटीएम अर्न करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप फोर फन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट 50 रुपये का कैश मिल तो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वोडाफोन आइडिया अपने सर्विसेज को इंडिया में कभी भी बंद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एयरसेल के बाद अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया इंडिया में अपना सर्विसेज को कभी भी बंद कर सकती तो है। यहाँ पे दोस्तों रिलायंस जियो जब से इंडिया में लॉन्च हुई है तब से कई सारे टेलीकॉम कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। तो वहीं पे दोस्तों कई सारे टेलीकॉम बंद कंपनियां हो गई, जैसे कि एयरसेल और आरकॉम। और ये सब हुआ है दोस्तों रिलायंस जियो के सस्ते प्लान के कारण, क्योंकि दोस्तों रिलायंस जियो यहाँ पे अदर ऑपरेटर की अपेक्षा अपना प्लान सस्ता दे रही है, जिसके कारण दोस्तों इनके सब्सक्राइबर इन्हें छोड़कर रिलायंस जियो के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइबर के मामले में इंडिया के नंबर वन टेलीकॉम ऑपरेटर्स वोडाफोन आइडिया अपना सर्विसेज को इंडिया में कभी भी बंद कर सकती है, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे लगातार घाटे हो रही है। यानी कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया से हर महीने लाखों सब्सक्राइबर इन्हें किसी छोड़कर अन्य ऑपरेटर में जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर यहाँ पे लगातार गिरते जा रही है, जिसके कारण दोस्तों वोडाफोन आइडिया अपना सर्विसेज को इंडिया में कभी भी बंद कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को हजारों करोड़ रुपए टैक्स चुकाने को कही है। तो फिलहाल दोस्तों वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे लगातार घाटे हो रही है सब्सक्राइबर के मामले में और शेयर में तो भी। फिलहाल दोस्तों वोडाफोन की ओर से इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आए हैं। तो जैसे ही इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं वोडाफोन की ओर से, तो तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल आप जाएगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा ऑपरेटर का सिम यूज कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।